नमस्कार, मैं रुचि विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। वैक्सीन की जरूरत को हमने कोरोना के पहले फेज में महसूस किया है, जब देश इतने खतरनाक वायरस के पहले अटैक से जूझ रहा था, जब देश में लोग इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे, लाशें बिछ रही थीं, शमशान कम पड़ रहे थे, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जान बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की थी, जो वैक्सीन के रूप में हमारे सामने आई। वैज्ञानिकों द्वारा ये विश्वास दिलाया गया कि लोगों को कोरोना के घातक प्रभाव से बचाने के लिए वैक्सीन के रूप में सुरक्षा कवच दी जा रही है। वहीं एक तरफ देश में वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल आने के दावे करने वाली मध्य प्रदेश सरकार से ये सवाल आखिर क्यों नहीं किया जाए कि इतनी वैक्सीन बर्बाद कैसे हो गई, ये सवाल आखिर क्यों ज़रूरी है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में कई ऐसे लोगों की जानें गईं जिन्हें वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाई, जिन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई। वैक्सीन की डोज नहीं मिलने के कारण उनकी जान चली गई। आपको बता दें, वैक्सीन के एक डोज भी बर्बाद करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार देश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन के मामले में अपनी उपलब्धि गिना रही है, तो वहीं सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बर्बादी करने में भी पूरे देश में अव्वल है। आपको बता दें, हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश में अब तक 16,47,955 टीके बर्बाद हुए हैं, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कुल बर्बादी में 37.28% हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दो राज्यों का है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो 62,58,722 डोज बर्बाद हो चुके हैं। और आपको ज़रूर बता दें कि ये आंकड़े सरकारी सेंटर्स के हैं, और यदि निजी संस्थानों को अगर इसमें शामिल किया जाएगा तो इसके आंकड़े और बढ़ जाएंगे। वहीं वैक्सीन की बर्बादी करने में ये 5 राज्य शीर्ष पर हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 12,60,055 और राजस्थान के बाद असम, जहां 4,58,287 और फिर जम्मू कश्मीर में जहां 4,57,064 टीकों की बर्बादी हुई है। साथ ही केंद्र के आंकड़े कहते हैं कि देश में अब तक 62.58 लाख डोज बर्बाद हो चुकी है।
आपको बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र की तरफ से टीके बर्बाद होने का डेटा दिया गया था। तब टीकों की बर्बादी के मामले में 3 राज्यों ने केंद्र के आंकड़ों को खारिज कर दिया था। वहीं मध्य प्रदेश पहला बीजेपी शासित राज्य था जिसने वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र के आंकड़ों से सहमति नहीं जताई थी। इन आंकड़ों पर एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि केंद्र के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वैक्सीन की बर्बादी कम हुई है। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संपर्क करने का निर्देश भी दिया गया था ताकि आंकड़ों को सही किया जा सके। विश्वास सारंग ने कहा था कि हमारी गणना के अनुसार वैक्सीन की बर्बादी 1.3% है। मध्य प्रदेश के लिए केंद्र का आंकड़ा काफी अधिक है। यह संभव है कि हमारी ओर से वास्तविक आंकड़े केंद्र को ठीक से नहीं बताए जा सके। हम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में हैं और आंकड़े ठीक करवा रहे हैं। सवाल यह है कि आज से लगभग 6 महीने पहले स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री ने यह दलील दी थी कि हम आंकड़े सही करा रहे हैं, पर इनमें सुधार की बजाय ये आंकड़े बढ़ते ही चले गए। सरकार के संज्ञान में ये था कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है। ये जानते हुए भी सरकार ने आखिर क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया? इन्हीं कुछ सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।